हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान पाली, पाली के मारवाड़ जंक्शन थाना क्षेत्र कराड़ी में वृद्ध महिला की निर्मम हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। कलयुगी पुत्र व पुत्रवधु ने की मां की निर्मम हत्या। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन थाना क्षेत्र के कराड़ी गांव में गत 7 मार्च को वृद्ध महिला पानी देवी के हत्याकांड का पुलिस ने आज खुलासा किया। इस हत्याकांड में कलयुगी पुत्र व पुत्रवधु ने मिलकर वृद्ध महिला की निर्मम हत्या करना कबूल किया। पाली जिला पुलिस अधीक्षक रंजन दुष्यंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि कराड़ी गांव में गत 7 मार्च को वृद्ध महिला पानी देवी का शव मिला था, जिसके दोनों पैर कटे हुए व गले पर धारदार हथियार से निशान मिले थे। पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बुगलाल मीणा व सोजत पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ के सानिध्य में 17 पुलिस कर्मियों की टीम जांच में जुटी, जिसके बाद शक के आधार पर मृतिका के पुत्र से पूछताछ में खुलासा हो पाया। पुलिस ने बताया कि गृह कलेश व पुत्र वधु के आचरण पर शक को लेकर घर में झगड़े होते रहते थे, जिसके बाद वृद्ध महिला के पुत्र ओकाराम व उसकी पत्नी ममता नायक ने वृद्धा की हत्या कर दी। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए पाली जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत इन्होंने ये कहा। दिनांक 7 मार्च 2022 को मारवाड़ जंक्शन थाने पर ये इत्तला मिली थी कि एक वृद्धा पोनी देवी जो कराड़ी गांव की रहने वाली थी, गांव की सड़क में ही अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारकर हत्या की थी और साथ ही उसने जो पैरों में चांदी के कड़े पहने हुए थे दोनों पैर काट कर के कड़े ले गए। इस पर मारवाड़ जंक्शन थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। विशेष टीम का गठन किया गया। एडिशनल SP और CO के निर्देशन में इस टीमों ने लगातार रात दिन काम किया और जो एविडेंसेस, जो अलामत, जो नक्शा मौका के जो हालात थे उनको देखते हुए, प्लस जो साइंटिफिक एड्स हमारे पास MOB टीम की, FSL की, डॉग स्क्वाड से जो हमें लीड मिली, उन सब तथ्यों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे और अल्टीमेटली इसमें हमने आज मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। इस घटना में जो चीज़ सामने आई है, मृतका का खुद का पुत्र ओकाराम और उसकी पत्नी ममता देवी दोनों ने मिलकर के वृद्धा की हत्या की थी। प्रथम दृष्टया ये चीज़ सामने आई है कि इनके बीच में लगातार पारिवारिक कलह चल रहा था। सास और बहू के बीच में पारिवारिक विवाद था, संतान को लेकर के भी कुछ विवाद था और रोज की नोकझोंक इनके परिवार में होती रहती थी। इसको लेकर के ही जो बहू और उसका हस्बैंड, यानी कि इस वृद्धा का बेटा और बहू ने मिलकर के इसको वृद्धा की हत्या करने की नीयत से प्लानिंग बनाई और जब वो शाम को खेत में लकड़ियां चुनने के लिए गई थी तब उसके पीछे पीछे जाकर के और उसको पीछे से वार करके गिरा दिया और उसके बाद दोनों पैर काट करके चांदी के कड़े निकाल करके ले गए। जागरूक टीवी के सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।